हेलो दोस्तों, एमबी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बादामी मटन। इसके लिए एक पतीले में 2 सर्विंग स्पून हम तेल डालकर गरम करेंगे। गरम किए हुए तेल में हम 2 तेज पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 2 सब्ज़ इलायची डालकर मटन डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके हम ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। 1 कटोरी हम भिगोए हुए बादाम, जिसे मैंने छील लिया है, वो लेंगे। आधी खसखस और आधी नारियल गुड़ा, इसमें पानी का मिक्स करके हम पीस लेंगे। अब हम 2 प्याज को छीलकर काट लेंगे और गरम तेल में इसे फ्राई कर लेंगे। आंच हमारी मीडियम ही होनी चाहिए, नहीं तो ये जल जाएंगे। इसे बीच बीच में हिलाते रहेंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसे एक नैपकिन में डालकर बाहर निकाल देंगे। आप इस तरह प्याज को प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं, ये हर कश्मीरी डिश में काम आता है। अब हम मटन में 2 से 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें नमक, हल्दी और लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च मैं नॉर्मल ले रही हूँ, कश्मीरी रंगदार मिर्च इसमें नहीं डलती। अब हम इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच मीट मसाला डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम प्याज डाल देंगे, जिसे हमने फ्राई किया था। इसे अच्छे से भूनेंगे और अब हम इसमें 1 कटोरी फेंटी हुई दही डालेंगे, इसे भी अच्छे से भूनेंगे। इसमें हम एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे, पहले भी मटन का अपना ही पानी था, अब ये दही जो पानी छोड़ेगा उसी में हमारा मटन पकेगा। इसको हम ढककर रख देंगे। 10 से 15 मिनट हो गए हैं, हम चेक कर लेते हैं कि मटन कितना पक गया है। ये अच्छे से पक रहा है। अब हम इसमें बादाम, खसखस और नारियल की जो पेस्ट बनाई थी वो डालेंगे और साथ ही में 1 कटोरी पानी डाल देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। अब इसे ढककर थोड़ी देर और पकाएंगे। 15 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। इसकी सुगंध काफी अच्छी आ रही है। अब हम इसमें कसूरी मेथी
और कटे हुए बादाम डालेंगे और थोड़ा सा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये हमारा बादामी मटन तैयार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।